हाँ अब किस पर आए अपूर्वा Sir. यार मैं आपसे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं बेहद आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि छोड़ो यार जाने दो कि अगर मैं आपसे कुछ ऐसा बोल दूं तो शिल्पा एक नया रूप धारण कर लेती हैं शिल्पा जी आप क्या कर रही करिए बच्चों को डरा रही हो आप सॉरी शिल्पा कैट कर मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ Sir, वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे हमारी लाइफ में कुछ हुआ है उस पर ले गया था एंड इट टुक मी बैक टू फ्यू गाइज हिटिंग इन मी तो मुझसे वो साइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि आसिफ और अरमान उन्हें उठा के उस तरह अरमान ने अरमान ने आई है अरमान ने धक्का नहीं मारा आप ये करने से टू प्रोटेक्ट योर हसबेंड आप अपने हस्बैंड को कोई अच्छी लाइट में नहीं दिखा रही हो यू शो हिम एज अ वीक मैन वो मेरा एक रिएक्शन था सर और शायद क्योंकि मेरे फादर नहीं है बहुत छोटी उम्र में मेरे डैड मुझसे छिन गए थे अपूर्वा मेरे लिए मेरे फादर हैं वो बच्चा है जो अब तक मुझे नहीं मिला है ये मेरा रिएक्शन मेरे हस्बैंड के लिए आता है आई कान हेल्प इट बट मुझे पता है मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या है इफ़ देस एनी बड़ी फॉर मी इट्स माई हस्बैंड एंड अगर ऐसा रिएक्शन उनके लिए आता है सर मेरे दिल में मुझे पता है मेरे लिए वो क्या है एंड दैट दैट इज ऑल मेरे ख्याल से अलग, अलग अलग लोग इसी रिएक्शन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और ऑफ uh, कोर्स uh, अच्छा लगता है कि आपके लिए कोई खड़ा हुआ है और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग सर कि ये छीना छप्टी से थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा आधा स्टेप आगे था और uh,

जब मैं अंदर गई थी बिग बॉस ने मुझे सराहना करते हुए कहा था कि गौहर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप जिस तरीके से अपना दिमाग लगा के फेयर प्ले कर रही हैं आप करते जाइए और अगर मैं फेयर नहीं होती तो बिग बॉस मुझे एक्स्ट्रा पाँच सौ पॉइंट्स नहीं देते जैसे उन्होंने पहले भी आपको नहीं, नहीं ये करेक्ट बात है लेकिन थैंक यू सो मच तनिषा जब आप कैप्टन थी जी जिस तरह का कॉपरेशन आपको मिलता था जी क्या आपको लगता है कि आपने वो कोऑपरेशन दूसरे कैप्टन को दिया है जी, नॉट 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 मच, 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 नो नहीं दिया और, था, ये और ये क्यों और ये क्यों आई थिंक क्योंकि मैं जहन्नुम गई और मैं थोड़ी बदमाश हो गई बदमाश हो गई तनिषा बदमाश हो गई थैंक यू शिल्पा संग्राम जी सर जब मेरी आपसे मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम हाँ सर उस वक्त पता चला कि आप आठ साल हाँ सर व्हील चेयर पर थे लेटे हुए थे वहां हाँ। से आपकी एक जर्नी हुई हाँ सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने क्या क्या किया आई थिंक एक राजीव गांधी अवार्ड 2012 में आपको मिला हाँ सर छत्रपति शिवाजी अवार्ड हाँ सर नेशनल अवार्ड भी मिला था सर वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर अवार्ड आपको मिला हां सर।, हाँ सर।, हाँ सर गोल्ड मेडलिस्ट इन जॉन रिड्स बिग फाइव इंटरनेशनल में हां टूर्नामेंट में आपको मिला है हां सर फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम में आपने मेडल जीता है हां सर दिल्ली रेसलिंग चैंपियनशिप में आप अनबीटन चैंपियन रहे हो हाँ सर राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता समान मिला है आपको हाँ सर आपको शेर हिंद का टाइटल दिया गया है हाँ सर वो मिला आपको क्राउन मेडल मिला है फ्रॉम यंग मैंस एसोसिएशन इन इंडिया हां सर एंड ऑल्सो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रमोटर्स हां सर आपको हरियाणा हां हाँ कुमार टाइटल मिला है रेसलिंग हाँ, में हां सर मिस्टर हरियाणा आपने जीता 2009 में हां गोल्ड मेडल हाँ आपने कॉमनवेल्थ हाँ चैंपियनशिप में जीता साउथ अफ्रीका में हाँ और बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर हाँ सर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप हां सर एंड ऑल्सो प्रेजिडेंट अवॉर्ड टू थाउजेंड सिक्स हां बस बस सर <coughs> Bas. <laughs> Bas, ये छोटा सा तो शुरुआत भी नहीं जी, है, <coughs> जी हाँ तो आप डिजर्व करते हो आप कौन से पे थे बारह पे थे या तेरह पे थे <laughs> मैं सर आप दस पे थे दस पे थे सर, दस, दस पे थे, पे थे. आप डिजर्व करते हो प्रत्युषाह आपने जी आप किस पे थी नंबर वन नंबर वन पे थी जी सडनली मैं मैं देख रहा हूँ कि टीवी वाले आगे गए और जिसने हिंदुस्तान का नाम रखा है वो दसवें नंबर पे आ गया I सर और ये मैंने अपने लिए चूज नहीं किया था जी, मैंने कुछ नहीं कहा था ये जब किसने चूज किया ये सब ने कहा था कि क्योंकि टेलीविजन वालों की पॉपुलैरिटी अगर आप रास्ते पे चलते हो लोग आपको पहचानते हैं पॉपुलैरिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो इसलिए मेरा और कुशाल का नाम लिया बगर, गया था सर, जब जिस एरिया से मैं हूँ जी सर जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर अगर कोई टीवी स्टार है फिल्म स्टार भी है अगर मैं जाता हूँ तो सर सारे लोग मुझे प्यार करते हैं ना कि टीवी स्टार को या फिल्म स्टार को प्यार करते हैं जी जी

कि अगर हमें पता होता है इतने अवार्ड है तो अगर वन से ऊपर कुछ होता तो हम संग्राम जी को माफ नहीं लेते थैंक यू संग्राम थैंक यू सर